हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल आईडी और डीडी आईडी यानी डायरेक्ट डिलीवरी वाली आईडी के डिफरेंस में। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मार्केट में इस वक्त कंपटीशन का दौर है। हर कंपनी अपने काम को बढ़ाने के लिए, चाहे वो मेरे को नाम लेना पड़ रहा है आपको बताने के लिए, पोर्टर हो, अंकल डिलीवरी हो, मूवर्स हो, वीजीओ हो, राइड हेलो हो, और भी कई कंपनियां हैं, गुडी डिलीवरी हो या फिर आपकी बोर्जो हो, सबको इस वक्त अपना काम बढ़ाने के लिए जो है मार्केट के अंदर प्रचार करना पड़ रहा है। आपने देखा ही होगा पोर्टर का प्रचार हर टेम्पो पे आपको पीछे हुआ नजर आ रहा होगा, कार के पीछे भी नजर आ रहा होगा, यहाँ तक कि कुछ लड़के अपने पीठ के पीछे तख्ती लगा के भी मैंने देखे हैं जो कि मार्केट में घूमते हैं, पोर्टर का प्रचार करते हैं। उसी तरीके से अंकल डिलीवरी के आपने पोस्टर बैनर देखे होंगे जो कि रोड के ऊपर लगे हुए हैं, बस स्टैंड पे लगे हुए हैं। लेकिन आपने अभी तक बोर्जो का कोई भी एड या प्रचार रोड के ऊपर नहीं देखा होगा, क्योंकि बोर्जो जो है अपने प्रचार के तरीके को थोड़ा सा अलग तरीके से करता है। बोर्जो वेबसाइट पर प्रचार करता है, नेट पर प्रचार करता है। आप कोई भी साइट खोलेंगे, कस्टमर कोई भी साइट खोलेगा, चाहे वो गाने की साइट हो, चाहे उसे किसी वर्क की साइट हो, तो उसको वहां पर बोर्जो का प्रचार नजर आएगा। अब इसी प्रचार करने की वजह से बोर्जो के जो कस्टमर हैं, आपने देखा होगा वो रेजिडेंशियल कस्टमर ज्यादा हैं, जबकि पोर्टर या अन्य कंपनियों के इंडस्ट्रियल कस्टमर ज्यादा हैं। जी हाँ, इंडस्ट्री एरिए से आपको पोर्टर की या अन्य कंपनियों की ट्रिप ज्यादा मिलती है और रेजिडेंशियल एरिया में आपको बोर्जो की ट्रिप ज्यादा मिलती है। इसके साथ ही आपने देखा होगा आजकल कंपनियां आईडी बहुत बंद कर रही हैं, चाहे वो बोर्जो हो या पोर्टर हो। अब आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक सस्पेंड आईडी का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है पोर्टर ने कि आप जो है कस्टमर के पास काफी लेट पहुंचते हैं। पोर्टर को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन कस्टमर के पास पार्सल लेने के लिए काफी लेट पहुंचते हैं, जिसके लिए आपको पहले भी वार्निंग दे दी गई थी लेकिन आप नहीं सुधरे, इसलिए हमें आपकी आईडी को बंद करना पड़ रहा है। और इसी परेशानी का हल जो है बोर्जो भी ढूंढ रहा है। तो बोर्जो ने भी जो है एक टाइमर सिस्टम, आपने देखा ही होगा बोर्जो के अंदर ट्रिप को एक्सेप्ट करते के साथ ही टाइम चालू हो जाता है पार्सल को पिकअप करने का। होता क्या है कि हर कंपनी इस वक्त कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने के उद्देश्य से लगी हुई है। इसमें जरा सी भी गलती होते ही राइडर की आईडी दोनों ही कंपनियां या सभी कंपनियां ब्लॉक कर दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में कस्टमर जो है वो मेन होता है, राइडर तो आते जाते रहते हैं। और लगभग ये आप ये समझ लीजिए कोरोना के बाद बहुत से ऐसे राइडर नए आए हैं जिनको अभी नौकरी छूट गई थी, जो पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं। तो मार्केट में जो है राइडरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए राइडरों की कोई औकात नहीं रह गई है। इसके बाद हम बात करते हैं रेट की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त रेट के मामले में पोर्टर जो है अपने राइडर को कमीशन काटने के बाद सबसे अच्छा रेट दे रहा है, तकरीबन 8.5 रुपए से 10.5 रुपए, 10 रुपए के आसपास का रेट पोर्टर का राइडर को पड़ता है। वहीं अगर हम अंकल डिलीवरी का कर दे तो आप सीधा सीधा 1 रुपया जो है पोर्टर से उसका कम कर दीजिए, क्योंकि वो जो पोर्टर जो रेट देता है कस्टमर को, अंकल डिलीवरी अपने कस्टमर को उससे 5% तकरीबन रेट कम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से राइडर को भी 5% रेट कम मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं अगर हम बोर्जो की, तो बोर्जो जो है वो कंपटीशन के दौर में राइडर को सबसे कम पैसे दे रहा है, उसके बावजूद राइडर जो है बोर्जो में काम कर रहे हैं। कारण है मार्केट में काम की कमी। आप देख ही रहे होंगे कि पोर्टर के अंदर पूरे दिन में 3 से 4 डिलीवरी ही राइडर के हाथ में आ पाती है, जबकि बोर्जो के अंदर उसको पहले बहुत सारे ऑर्डर नजर आते थे। आजकल मार्केट में काम कम है इसलिए बोर्जो में भी ऑर्डर जो है काफी कम नजर आ रहे हैं। नहीं तो अगर आप ऐप को स्लाइड करते थे बोर्जो के, तो आपको 200, 250, 250, 150 जो है ऑर्डर हमेशा नजर आते। लेकिन आपने गौर किया होगा तो उन ऑर्डर के अंदर काफी छोटी अमाउंट के ऑर्डर की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि राइडर जो है मोटी अमाउंट के ऑर्डर को तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते थे, छोटी अमाउंट के ऑर्डरों को छोड़ दिया करते थे, जिससे कि बोर्जो का कस्टमर जो है वो खराब हो रहा था। उसी परेशानी को देखते हुए बोर्जो ने एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया। ये तकरीबन आज ये समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल के टाइम में ये पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ था 50 राइडरों के साथ, जिनकी आईडी को डीडी में कन्वर्ट करा गया था और उनसे उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपके पास नॉर्मल आईडी से पहले ये ऑर्डर बजेगा, चाहे वो ऑर्डर 50 रुपए का हो या 500 रुपए का हो। तो उन राइडरों के पास ऑर्डर जो है पहले बजा करते थे, अगर वो उस ऑर्डर को स्किप कर देते थे तो वो नॉर्मल आईडी पे शो हुआ करते थे। लेकिन आपको पता ही है कि राइडर तो राइडर ही होते हैं, जिनकी आईडी डीडी में कन्वर्ट हुई थी वो राइडर जो है ऑर्डर पहले शो होने की वजह से मोटे ऑर्डरों पे ही ज्यादा ध्यान देते थे, छोटे ऑर्डर छोड़ दिया करते थे।
कंपनी को निर्णय लेना पड़ा कि 10 ऑर्डर के बाद आपकी आईडी एक घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगी। परंतु फिर भी राइडरों को ये सुविधा काफी अच्छी लगी और ये धीरे धीरे प्रचलित होती गई। कई अन्य राइडर भी इस टीम के अंदर शामिल हो गए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो जो है वो कंपेयर की है डीडी आईडी और नॉर्मल आईडी की, तो अब हम बात करते हैं डीडी आईडी और नॉर्मल आईडी में फायदे और नुकसान की। तो नॉर्मल आईडी के अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जिस साइड में जाना है उस साइड के ऑर्डर को सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं, जबकि डीडी आईडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं का भी किसी भी रूट का ऑर्डर आ सकता है, उसकी अमाउंट छोटी हो सकती है, हो सकता है कि लगातार आपको जो 10 ऑर्डर आए वो छोटी ही अमाउंट के आए और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए, आप काम ही ना कर पाओ। ये आईडी जो ब्लॉक होगी आपकी एक घंटे के लिए होगी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। टीडी आईडी के अंदर आप केवल एक ही ऑर्डर ले जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल आईडी के अंदर आप दो ऑर्डर लेके जा सकते हो। और जिस तरह आपको पता है कि बोर्जो का रेट राइडर के हिसाब से काफी कम है, तो होता क्या है कि जो राइडर बोर्जो में परमानेंट काम कर रहे हैं वो हमेशा दो ऑर्डर उस सेम रूट के लेके जाते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनका वो रेट तकरीबन 12 रुपये 13 रुपये चला जाता है उनकी इस डबल ऑर्डर ले जाने की वजह से। परंतु डीडी आईडी के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस रेट को बेटर कर सके अपनी थोड़ी सी अकल लगा के। इसलिए हम साथ में आपको ये जानकारी भी दे दें कि कई राइडर भाई जिन्होंने अपनी आईडी को डीडी में कन्वर्ट कराया था वो इस वक्त काफी परेशान है। उनकी इच्छा है कि उनकी आईडी वापस नॉर्मल हो जाए ताकि वो रेगुलर काम कर सके, ना कि 10 ऑर्डर मिस होने के बाद अपनी आईडी को ब्लॉक करवा बैठे एक घंटे के लिए। साथ में आपको एक जरूरी बात मैं बताना भूल गया था, डीडी आईडी के अंदर आपको एड्रेस भी शो नहीं होता है, जबकि नॉर्मल आईडी के अंदर आपको एड्रेस शो होता है। आप तसल्ली से देख सकते हैं कि ये ड्रॉप कहाँ का है, जबकि डीडी आईडी के अंदर ओनली तहसील और तहसील ही नजर आता है, यानी इस तहसील से आपको पिकअप करना है और इस तहसील में ड्रॉप करना है।